बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खुश हैं? उम्मीद है आप ठीक और खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं वो एविटोन सी करीम है। अच्छा, आज हम इस वीडियो में आपको एविटोन सी करीम के तरीक़ाकार, इस्तेमाल और एहतियातों के बारे में बताएँगे। बेसिकली एविटोन सी करीम जो है ना, वो रंग को ग्लो करती है, डेड सेल को ख़त्म करती है, चेहरे के कलर को गोरा करती है, डार्कनेस ख़त्म करती है, स्किन को बूस्ट करती है। एविटोन सी के इस्तेमाल से बाज़ की जल्द तो बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत हो जाती है, क्योंकि ये जल्द पर मुनहसर होता है, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ही अपनी जल्द के बारे में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और अपनी जल्द का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो तवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो एविटोन सी करीम है, ये आपकी जल्द की डार्कनेस को रिमूव करती है। एविटोन सी करीम एंटी एजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कंपनी का दावा है कि ये एविटोन सी के इस बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जल्द वाइट और ग्लो हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है ना, जो वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, लेकिन इनमें जो है मेन जो है वो एल ग्लूटाथायोन और विटामिन सी है। अच्छा, ये ग्लूटाथायोन जो है ये बहुत ही कास्टली इंग्रेडिएंट्स है और इसकी जो है ना कीमत भी कुछ ज़्यादा है, और ये कंपनी का दावा है कि ये इसका रिज़ल्ट इसके जो है ना बाकायदा इस्तेमाल से आकर इसका रिज़ल्ट नहायत ही बेहतरीन है। अच्छा, और दूसरा जो है ना, इसमें विटामिन सी मेन इंग्रेडिएंट डाला गया है, जो कि चेहरे के खूबसूरती के लिए नहायत ही बेहतरीन है। अच्छा, डेड सेल ख़त्म करती है और जो है ना आपके चेहरे को फेयरनेस और ग्लो बनाती है। अच्छा, इसमें जो है ना, एक और बात आपको ये बताऊं कि ये जो है इसके बाकायदा इस्तेमाल से कील, मुहासे, फ्रेंकल्स, पिंपल्स को भी ये ख़त्म करती है। अच्छा, इसका मुकम्मल कोर्स अगर करें तो नहायत ही इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। और दूसरी बात जो है ना, आप अगर इसके साथ कैप्सूल सेंगोबियान एक कैप्सूल एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करें, तो इससे आयरन की जो जिस्म को कमी होती है और ज़रूरी विटामिन की कमी होती है, वो इसको बॉडी को मैसर आएंगे। और इसके साथ जो है ना, इंटेक डी गोली, ये एक गोली ये भी एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करनी है। अच्छा, दूसरा, ये जो एविटोन सी करीम है, ये रात को जो है ना इस्तेमाल करनी है। कोई भी साबुन, जैसे अगर इसके साथ कोई स्किन ब्राइटनिंग सोप इस्तेमाल करें, जैसे ये ग्लूटामैक्स साबुन है, अगर आप ये इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट नहायत ही बेहतरीन हो जाता है। इसके अलावा आप जो है ना दिन को कोई भी सनब्लॉक इस्तेमाल कर लें, कोई अच्छी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का सनब्लॉक इस्तेमाल कर लें, तो इसका रिज़ल्ट नहायत ही बेहतरीन हो जाता है। आपकी जल्द नहायत ही खूबसूरत और वाइटनिंग ग्लोसी हो जाती है। इसके जो है ना, इसके बाद जो है आपको अच्छा, ये जो आपको मेडिसिन ये बताई है, एंटेक डी और सेंगोबियान, ये इसलिए बताई हैं क्योंकि जिसमें जो है ना आयरन की कमी की वजह से जो है ना जिस्म पे और जो है ना चेहरे पे दाग धब्बे से हो जाते हैं, आयरन की कमी की वजह वो कशिश नहीं रहती, तो ये आप इस्तेमाल करने से ये नहायत ही बेहतरीन हो जाता है। जबकि कैल्शियम विटामिन डी का ये फ़ायदा है कि अगर इसकी कमी हो जाए जिसम पे, तो मुंह पे डार्कनेस ही हो जाती है, चेहरे पे डार्कनेस ही हो जाती है। इससे जो है ना बाकायदा आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको आयरन और विटामिन डी की जो है ना ये दोनों इस्तेमाल करने से बेहतरीन इसका रिज़ल्ट हो जाएगा, इससे आपका चेहरा ग्लोसा हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक दूसरी वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।